आदाब नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों आप जो ये दिव्य जड़ी बूटी देख रहे हो, इसका हम नाम बताते हैं अभी। और ये ले गए हैं हम तेल के लिए। तो आज हम बताएंगे तेल कैसे बनता है और तेल बना के भी दिखाएंगे। तो दोस्तों इसका हिंदी में घमरा कहते हैं, संस्कृत में जयंती वेदा और बंगाली में तितधारा और कन्नड़ में जयंती कहते हैं। दोस्तों ये इसका नाम था। दोस्तों हम इस जड़ी बूटी की हम आपको पहचान भी बताएंगे। तो बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको इसकी पहचान के बारे में। तो ये मैं एक पौधा तोड़ रहा हूँ, आप इस पे देख रहे हो ये रोवे से हैं। ये देखो ये साफ हो जा, हाँ ये देखिए ये हो गया। और इस पे ये रोवे से हैं। तो दोस्तों इसकी जड़ी भी मिलेंगी आपको, इस पे कई तरह की मिलती हैं मगर इस पे रोवे होते हैं। इस तरह फूल भी मिलेंगे आपको, फूल भी दिखाता हूँ अभी आपको। तो दोस्तों ये इसकी पहचान है। दोस्तों ये इसके फूल हैं और ये गौर से देख लो, क्योंकि इस तरह के कई पौधे होते हैं जिनमें ऐसे ही फूल होते हैं मगर अलग अलग वो होती है, इसलिए मैंने रोवे और फूल दिखाया था ये आपको। तो दोस्तों बाल झड़ना एक ऐसी समस्या बन गई है जिससे आज की तारीख में ना जाने कितने ही लोग और भाई बहन परेशान हैं। बाल झड़ने की कई वजह हो सकती है, मसलन प्रदूषण, एलर्जी या फिर खान पान के तरीके। ऐसे में शख्स जिसके बाल झड़ रहे होते हैं इससे लेकर परेशान हो सकते हैं, क्योंकि कंघी करी तो बाल झड़ गए, बाल धो रहे हैं तो बाल टूट रहे हैं। तो कंघी के साथ कंघा करते समय भी, चाहे भाई बहन कोई भी हो, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, तो बाल झड़ने से रोकने के लिए हम लेकर आए हैं। क्योंकि कई जने की मांग थी कि हमें ऐसी कोई तेल बताएं, तो एक ऐसी ही जड़ी बूटी हम यह है जिसमें हम आपको तेल बना सकते हैं, बना के दिखाएंगे इस जड़ी बूटी से। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें जिससे मेरी अगली वीडियो आपको मिल जाए। तो दोस्तों और वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और आपको बताएंगे कि कैसे तेल बनाया जाए। तो दोस्तों आपको इतना भंगरा लेना है जितना मेरे हाथ में है, और लेना है आपको शुद्ध सरसों का तेल, और चाहे आप आधा किलो ले लो या 250 ग्राम ले लो, जैसे परिवार है आपका। वैसे हमने आधा 250 ग्राम के लिए ही बताएंगे, 250 ग्राम में सही रहेगा इतना जितना मेरे हाथ में आप देख रहे हो। तो दोस्तों और ज़्यादा बड़ा परिवार है तो आप आधा किलो ले सकते हो और उसमें बना सकते हो, और चाहो कि आपको हम गलत बता रहे हैं तो आप एक पूरे परिवार में एक जन ही दो तीन दिन का तेल बना के उसमें थोड़ा सा लेके उसमें देख लेना बना के, और उसको लगा के देख लेना। जब एक जने का फ़ायदा हो जाए फिर कोई और दे। हम नहीं चाहते कि आप लोग ये सोचो कि मैं पैसा खर्च हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा बना के देख लो। और आपको लेना है शुद्ध सरसों का तेल और उसमें ये दिव्य जड़ी बूटी डालना है और उसको बनाना है। और दोस्तों ये है तेल बनाने का तरीका, तो आप देख लो। हमने ये तेल कढ़ाई में डाला है। और दोस्तों करना क्या है आपको, इसको लेके साफ कर लेना, क्योंकि धूल मिट्टी आपने देखी हुई कितनी जमी हुई थी, तो धूल मिट्टी एकदम छुटा देना, साफ़ कर लेना पानी से। धोने के बाद छोटे छोटे टुकड़े कर लेना। टुकड़े करने के बाद आपको इस तरह तेल डाल के, और किसी भी बर्तन में डाल सकते हो। हमने छोटी सी कढ़ाई है इसी तेल बनाने के लिए ही, तो हमने इसमें ही डाल दिया था और ये पका रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो मेरी ठंडी ठंडियों की बनी हुई है, और मैंने ये ठंडियों बनाया था, किसी को बना के दिया था तेल, ये तो उनके लिए बनाया था, तो मैंने वीडियो बना ली थी। मगर मौका नहीं मिला कभी डालने का, क्योंकि उस पर चैनल भी नहीं था मेरा बना हुआ। तो मैंने आज ये बहुत लोगों की मांग पे मैंने ये डाली थी। तो इन्जॉय करो और वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। दोस्तों जिस किसी के अगर सरसों का तेल सूट नहीं करता है तो कृपया ये तेल सिर में ना डालें, क्योंकि ये सरसों का तेल है और इसमें खाली जड़ी बूटी डाल के ही तैयार किया गया है, मगर अंश सहरा सरसों का तेल का ही है। सिर्फ इसलिए कि बाल ना टूटें और बालों को रोकने के लिए, ये बालों झड़े ना टूटे ना, तो इस मारे ये बनाया गया है। दोस्तों कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, इससे और किसी को फ़ायदा हो जाए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, बाय बाय।